दोस्तों अगर अभी तक आपने गुल्ली बुल्ली मैजिक शो पार्ट 1 नहीं देखा है तो पहले आप जाकर उसे देख लीजिए, वरना ये स्टोरी आपको समझ में नहीं आएगी। पिछले वीडियो में आपने देखा था गुल्ली बुल्ली और सोन मैजिक देखने के लिए टाउन लाते हैं और यहाँ आने के बाद वो जादूगर सोन को खरगोश बना देता है। ये सब देखकर गुल्ली और बुल्ली काफी डर जाते हैं, लेकिन तभी उस जादूगर को कोई कुल्हाड़ी फेंक कर मारता है और जादूगर वहीं पर तड़पने लग जाता है। लेकिन इसे कुल्हाड़ी मारी किसने? शायद इस जादूगर को गुल्ली और बुल्ली ने ही कुल्हाड़ी फेंक कर मारा है, क्योंकि ये जादूगर ने सोन को खरगोश बना दिया था। ये देखकर गुल्ली बुल्ली को काफी बुरा लगा था। और अब आगे की स्टोरी देखते हैं। इस जादूगर के मरने के बाद ये बच्चा काफी ज्यादा रोने लग जाता है और गुल्ली बुल्ली इधर उधर देखने लग जाते हैं कि आखिर जादूगर को मारा किसने। तभी गुल्ली कहता है कि बुल्ली मुझे लगता है कि जिसने भी जादूगर को मारा है वो बाहर भाग चुका होगा। यानी कि गुल्ली और बुल्ली ने उस जादूगर को नहीं मारा है। गुल्ली और बुल्ली थोड़ी देर में बाहर आते हैं और बाहर आने के बाद इधर उधर देखने लग जाते हैं, लेकिन गुल्ली बुल्ली को दूर दूर तक कुछ नहीं दिखाई देता है। और तभी बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली सामने देखो, वहाँ पर कोई खड़ा है। बुल्ली की बात सुनकर गुल्ली भी सामने देखता है और तभी गुल्ली बुल्ली को दिखाई देता है कि यहाँ पर तो एक आदमी खड़ा है जो काफ़ी अजीब दिख रहा है। और तभी गुल्ली बुल्ली को किसी चीज़ की आवाज़ सुनाई देती है, अरे ये क्या, ये तो सोन है जो कि जंगलों की तरफ जा रहा होता है। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफ़ी डर जाते हैं। ओ माय गॉड, उस खतरनाक से देखने वाले आदमी ने सोन को तो दौड़ा ही दिया, पता नहीं अब क्या होगा। ये सब देखकर गुल्ली और बुल्ली तुरंत ही जीप में बैठ जाते हैं और गुल्ली जीप को स्टार्ट कर देता है और जंगलों की तरफ लेकर जाने लग जाता है। पता नहीं उस खरगोश का क्या होगा। अगर वो दानव ने खरगोश को खा लिया तो समझो वो सोन को ही खा लिया, क्योंकि वो खरगोश तो सोन ही है। थोड़ी देर में गुल्ली और बुल्ली काफ़ी दूर पहुंच जाते हैं। यहाँ आने के बाद गुल्ली और बुल्ली को दूर दूर तक कुछ भी नहीं दिखाई देता है। और फिर अचानक से गुल्ली और बुल्ली अपनी गाड़ी को धीरे करने लग जाते हैं और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली अपनी गाड़ी को रोक देते हैं। शायद गुल्ली और बुल्ली को कुछ दिखा है, लेकिन गुल्ली बुल्ली को क्या दिखा होगा। गुल्ली और बुल्ली ने देखा कि उन लोगों के सामने एक घर है जो कि लकड़ी का बना हुआ है। गुल्ली बुल्ली ये घर को देखकर काफ़ी खुश हो जाते हैं, क्योंकि गुल्ली और बुल्ली अब इस घर के अंदर जाकर किसी से मदद मांगेंगे। लेकिन अंदर जाने से पहले गुल्ली बुल्ली इधर उधर देखने लग जाते हैं कि आसपास कोई खतरा तो नहीं है। तभी गुल्ली कहता है, बुल्ली मुझे लगता है कि इस घर में कोई ना कोई मौजूद होगा, चलो हम लोग जाकर पूछते हैं क्या उसने देखा है यहाँ से किसी को गुजरते हुए, और अगर उसने देखा होगा तो वो हमारी काफ़ी मदद कर देगा। दरअसल गुल्ली और बुल्ली को लगता है कि इस घर से गुल्ली बुल्ली को मदद मिल जाएगी, लेकिन गुल्ली बुल्ली को ये बात पता नहीं है कि इस घर में आखिर क्या क्या होने वाला है। तभी बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली मुझे लगता है कि इस घर में कोई रहता ही नहीं है, देखो देखने से ही ऐसा लग रहा है, ये घर तो लकड़ी का है और काफ़ी पुराना हो चुका है। तभी गुल्ली बुल्ली डिसाइड करते हैं कि गुल्ली बुल्ली इस घर के अंदर जाकर देखेंगे और फिर गाड़ी से उतरकर गुल्ली और बुल्ली घर की तरफ जाने लग जाते हैं। घर के अंदर जाते जाते गुल्ली बुल्ली सोन के बारे में ही सोच रहे होते हैं, कहीं उस दानव ने सोन को खा ना लिया हो, पता नहीं सोन अभी किस हाल में होगा और वो अभी कहाँ होगा। गुल्ली बुल्ली यही सब सोचते सोचते घर के अंदर जाने लग जाते हैं। थोड़ी देर में गुल्ली बुल्ली सीढ़ी के पास पहुँच जाते हैं और ऊपर चढ़ने लग जाते हैं। फिर गुल्ली बुल्ली दरवाजे से अंदर जाते हैं। अंदर जाने के बाद गुल्ली बुल्ली इधर उधर देखने लग जाते हैं। घर के अंदर गुल्ली बुल्ली को कुछ भी नहीं दिखाई देता है। फिर गुल्ली बुल्ली आपस में बात करते हैं। गुल्ली कहता है कि बुल्ली मुझे लगता नहीं है कि इस घर में कुछ होगा, चलो हम लोग यहाँ से बाहर चलते हैं। तभी बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली यहाँ से ऊपर जाने का भी रास्ता है, चलो ऊपर चलकर देखते हैं। देखो उधर से ऊपर जाने का सीढ़ी है। ये बात सुनकर गुल्ली ऊपर जाने लग जाता है। थोड़ी देर में गुल्ली सेकेंड फ्लोर के पास आ जाता है और वहाँ आने के बाद गुल्ली इधर उधर देखने लग जाता है। लेकिन अफसोस की बात तो यह है कि गुल्ली को यहाँ पर भी कुछ भी नहीं दिखाई देता है। गुल्ली कहता है कि बुल्ली यहाँ पर तो कुछ भी नहीं है, तुम भी ऊपर आ जाओ। लेकिन गुल्ली ये सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आखिर इस घर में कोई क्यों नहीं है, और अगर इस घर में कोई है ही नहीं तो ये घर है किसका। थोड़ी देर में गुल्ली और बुल्ली दोनों सेकंड फ्लोर के ऊपर आ जाते हैं। गुल्ली कहता है, इसके ऊपर तो एक और सीढ़ी है बुल्ली, तुम ऊपर जाकर देखो। बुल्ली कहता है, अरे नहीं मुझे तो डर लग रहा है। अच्छा छोड़ो, मैं ही जाकर देखता हूँ, मुझे पता है कि तुम डरपोक हो, मैं ही ऊपर जाकर देखता हूँ ताकि मैं तुम्हें बता पाऊँ कि आखिर ऊपर है क्या। गुल्ली कहता है, नहीं बुल्ली मैं डरपोक नहीं हूँ, और अगर मैं डरपोक होता तो मैं तुम्हारे साथ आता ही क्यों। ये बात सुनकर बुल्ली कहता है कि अरे गुल्ली मजाक करना बंद करो, मैं ऊपर जाता हूँ। ये कहने के बाद बुल्ली ऊपर जाने लग जाता है। थोड़ी देर में बुल्ली सीढ़ियों से चढ़ते हुए छत के पास पहुंच जाता है। वहां आने के बाद बुल्ली को तुरंत ही कुछ दिखाई देता है। बुल्ली उसे देखकर काफी ज्यादा डर जाता है, लेकिन बुल्ली ने देखा कि यहाँ पर एक आदमी सो रहा होता है। अरे ये क्या, ये तो वही आदमी है जो कि उस जगह पे खड़ा था।
इस आदमी को गौर से देखने के बाद बुल्ली को ऐसा लगता है कि यह कोई आदमी नहीं, ये तो कोई दानव है और इसने ही जादूगर को मारा होगा। तभी बुल्ली को अपने सामने और भी कुछ दिखाई देता है और बुल्ली उसे देखकर और भी ज्यादा घबरा जाता है। बुल्ली ने देखा कि उसके सामने एक पिंजरा था और उस पिंजरे के अंदर एक खरगोश था। अरे ये क्या, ये तो अपना पोर्टेबल शॉन ही है और ये खरगोश बना हुआ था और इस खरगोश को उस दानव ने पकड़कर यहाँ बंद कर दिया है। खरगोश को देखने के बाद बुल्ली ये सोच रहा होता है कि अब बुल्ली खरगोश को कैसे छुड़ाएगा क्योंकि दानव तो यहीं पर सो रहा है। बुल्ली यही सब सोच रहा होता है कि तभी बुल्ली को ऊपर के साइड कुछ आवाज़ सुनाई देती है और बुल्ली ऊपर जैसे ही देखता है तभी बुल्ली देखता है कि वहाँ पर एक पिंजरा होता है और उस पिंजरे के अंदर एक पंछी होती है। ये सब देखने के बाद बुल्ली को ऐसा लगता है कि शायद ये दानव पंछी और जानवर को पकड़कर पिंजरे में भर देता है और फिर बाद में उसे मारकर खा जाता है। ये सब देखने के बाद बुल्ली तुरंत ही नीचे चला जाता है क्योंकि बुल्ली गुल्ली को भी सारी बातें बता देगा। थोड़ी देर में बुल्ली ऊपर से उतरकर गुल्ली के पास आ जाता है और तभी गुल्ली हंसते हुए कहता है, क्या हुआ बुल्ली, तुम इतने ज्यादा डरे हुए क्यों हो? तभी बुल्ली कहता है कि हंसने की बात नहीं है गुल्ली, तुम हंसो मत, मैंने उस दानव को ऊपर देखा है, वो ऊपर ही सो रहा है। और बुल्ली ये भी कहता है कि उसके सामने ही एक पिंजरा है और पिंजरे में अपना खरगोश यानी कि अपना सोन है, पता नहीं हम लोग उसे कैसे छुड़ाएंगे और वो दानव बगल में ही सो रहा है, अगर हम लोग उसे छुड़ाने जाएंगे तो वो दानव तुरंत ही लपक लेगा। तभी गुल्ली कहता है, अगर ऐसी बात है बुल्ली तो हम लोगों को बाबा को बतानी चाहिए, चलो हम लोग इस घर से तुरंत नीचे चलते हैं क्योंकि इस घर में खतरा है और वैसे भी इस घर में अगर हम लोग रहेंगे तो कभी भी दानव नीचे उतर सकता है और हम लोग मारे जा सकते हैं। बातें करने के बाद गुल्ली और बुल्ली इस घर से नीचे जाने का ही फैसला करते हैं क्योंकि इस घर में रहना खतरे से खाली नहीं है, ऐसा गुल्ली बुल्ली को लगता है। थोड़ी देर में गुल्ली और बुल्ली सबसे नीचे वाले फ्लोर पे आ जाते हैं। घर से बाहर आते ही गुल्ली बुल्ली अपना अपना पोजीशन ले लेते हैं। बुल्ली पेड़ के ऊपर चढ़ जाता है और गुल्ली नीचे ही खड़ा रहता है। पेड़ पर चढ़कर बुल्ली इधर उधर देख रहा होता है कि कहीं कोई खतरा तो मौजूद नहीं है, लेकिन बुल्ली को दूर दूर तक कुछ भी दिखाई नहीं देता है, सिर्फ जंगल ही जंगल था। तभी गुल्ली बुल्ली से ही कहता है कि बुल्ली तुम्हें तो सिर्फ अपनी ही चिंता है, तुम हमेशा अपने बारे में ही सोचते हो, अगर वो दानव आकर मुझे खा जाएगा तो मैं तो यहीं मर जाऊंगा और तुम देखते ही रह जाओगे, तुम तो अकेले पेड़ पर ही चढ़ गए हो और मुझे तुमने पूछा भी नहीं, पता नहीं मेरा क्या होगा। तभी बुल्ली कहता है, अरे गुल्ली तुम बिल्कुल पागल हो चुके हो, मैं पेड़ पर उस दानव से बचने के लिए नहीं चढ़ा हूँ, मैं तो पेड़ पर इसलिए चढ़ा हूँ ताकि अगर वो दानव तुम्हें खा रहा होगा तो मैं ऊपर से ही उस दानव के ऊपर कूद जाऊंगा और वो दानव की वहीं मौत हो जाएगी। और बुल्ली ये भी कहता है कि वो दानव पहले से ही पतला और दुबला है, उसके पास तो पहनने के लिए कपड़े भी नहीं है, मुझे लगता है कि वो दानव काफी गरीब है और वो कोई पेशेंट होगा और वो पेशेंट पागल हो चुका होगा। गुल्ली कहता है कि मैं बाबा के पास फोन करता हूँ, अपनी बकवास बंद करो। ये बात सुनकर गुल्ली बाबा के पास फोन लगा देता है और बाबा को सारी बातें बता देता है। गुल्ली बताता है कि गुल्ली और बुल्ली के साथ क्या क्या हुआ और सोन एक खरगोश बन चुका है और इन लोगों के पीछे एक दानव पड़ा हुआ है। बाबा को सारी बातें बताते बताते गुल्ली काफ़ी खुश हो रहा था और गुल्ली खुश इसलिए हो रहा था क्योंकि बाबा ने आज फ़ोन उठा लिया, वैसे तो बाबा फ़ोन उठाते ही नहीं है। गुल्ली सारी कहानी बाबा को बता ही रहा होता है और बाबा चुपचाप सुन ही रहे होते हैं, पता नहीं बाबा आ भी पाएंगे या नहीं और गुल्ली बुल्ली को बाबा बचा भी पाएंगे या नहीं। तभी बाबा कहते हैं कि मैं आ ही रहा हूँ, तुम लोग चिंता मत करो। तभी बुल्ली गुल्ली से पूछता है कि क्या हुआ गुल्ली, बाबा ने क्या कहा, क्या बाबा यहाँ आ रहे हैं या फिर बाबा को कोई काम है, हम लोगों को दानव से निपटना होगा या फिर बाबा यहाँ आकर दानव से निपट लेंगे। तभी गुल्ली कहता है कि बुल्ली तुम्हें निपटने की ज़रूरत नहीं है, बाबा टाउन हॉल के पास ही हैं, बाबा ने ऐसा ही कहा है, बस वो दो मिनट में आते ही होंगे, हम लोगों को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, हम लोग अब बच जाएंगे और सोन भी ठीक हो जाएगा, लेकिन एक बार बाबा को तो आ जाने दो, पता नहीं फाइट कैसी चलेगी। और तभी गुल्ली बुल्ली को कुछ दिखाई देता है और गुल्ली बुल्ली पीछे मुड़कर देखने लग जाते हैं, शायद यहाँ बाबा आ चुके हैं। गुल्ली बुल्ली ये सब देखकर काफी खुश हो जाते हैं। ओह माय गॉड, बाबा तो अपनी बाइक को उड़ाते हुए ला रहे हैं। ये आवाज सुनकर वो पेशेंट टूट जाता है और ऊपर खड़ा हो जाता है और ये बाबा को देख लेता है और थोड़ी ही देर में ये ऊपर से नीचे कूद जाता है क्योंकि अब ये पेशेंट काफी खतरनाक हो चुका है और ये बाबा से लड़ेगा, और ये बाबा से इसलिए लड़ेगा क्योंकि बाबा ने इसे सोते सोते ही उठा दिया है। अरे ये क्या, बाबा ने तो इसे किक मार दिया है और ये एक ही बार में बेहोश हो जाता है और इसे पता चल चुका है कि बाबा कितने खतरनाक आदमी है।
दानव को पीटता देखकर गुल्ली काफी खुश हो जाता है और गुल्ली दौड़ते हुए घर के ऊपर जाने लग जाता है क्योंकि ये सोन को छुड़ाएगा। ये देखकर बुल्ली और भी ज्यादा खुश हो जाता है क्योंकि बुल्ली ने देखा कि गुल्ली ऊपर जा रहा है सोन को छुड़ाने के लिए। अरे ये क्या, गुल्ली ने उस पंछी को भी आजाद कर दिया है और ये पंछी आसमान की तरफ चली जाती है। गुल्ली ये देखकर काफी खुश हो जाता है क्योंकि गुल्ली को किसी चीज को कैद में रखना पसंद नहीं है। थोड़ी देर में ये खरगोश को भी छुड़ा देता है। इधर बाबा को उस दानव से लड़ने का ज्यादा मूड नहीं है, इसलिए बाबा जल्दी ही इस दानव को खत्म करने वाले हैं और थोड़ी ही देर में बाबा मैजिक करते हैं। ये देखकर बुल्ली काफी खुश हो जाता है कि बाबा ने उस दानव को अपनी जादुई शक्ति से गायब कर दिया है। और थोड़ी ही देर में गुल्ली बुल्ली और खरगोश बाबा के पास आ जाते हैं और तभी गुल्ली बाबा से कहता है कि बाबा इस खरगोश को ठीक कर दीजिए और वापस से सोन बना दीजिए क्योंकि ये खरगोश बना रहेगा तो हमें अच्छा नहीं लगेगा। तभी बाबा कहते हैं कि मैं अपने शक्तियों का यूज सिर्फ दानवों को मारने के लिए ही कर सकता हूँ। और बाबा ये भी कहते हैं कि सोन को ठीक करने के लिए तुम लोगों को मेरा घर चलना होगा क्योंकि मेरे घर में ही मेरा जादुई छड़ी है और वहीं पर सोन ठीक होगा। तो दोस्तों अब बाबा इसे ठीक कर ही देंगे और इस तरह से ये स्टोरी यहीं पे खत्म हो जाती है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है और अगर आप गुल्ली बुल्ली की और नई नई वीडियोस देखना पसंद करते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन में ऑन करना ना भूलें।